तो दोस्तों फाइनली इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स S5 को 10,000 से भी कम प्राइसिंग में। एंड इस प्राइसिंग में पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि स्मार्टफोन का सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर है। 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, बैक में क्वाड कैमरा, 32 MP का सेल्फी कैमरा, डोर भी कमाल के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जबकि 7,000 की प्राइसिंग में इन्फिनिक्स का एक और स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 8 पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ। तो आज की इस वीडियो में फुल कंपैरिजन करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में एंड बात करेंगे कि फाइनली आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन से स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर गाइस अगर बात करी जाए कंपैरिजन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग, रैम वेरिएंट्स एंड स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में। तो इन्फिनिक्स हॉट 8 का एक ही वेरिएंट आपको मिलता है 6999 यानी 7,000 की प्राइसिंग में 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ, जबकि इन्फिनिक्स S5 का भी अभी के लिए एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज 8999 यानी 9,000 की प्राइसिंग में। तो 2,000 का डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते डिस्प्ले के बारे में तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में 6.52 इंचेस की HD प्लस आपको वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाती है 90.3% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स S5 में 6.6 इंचेस की इन्फिनिटी ओ यानी पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, HD डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है एंड 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो एंड 90.5% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाती है। तो थोड़ी सी बेटर डिस्प्ले इन्फिनिक्स S5 में मिलती है क्योंकि ब्राइटनेस हल्की सी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाती है एंड ट्रेंडिंग डिस्प्ले आपको मिलती है जो कि है पंच होल डिस्प्ले। अगर हम बात करें बैक कैमरास के बारे में तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, 13 MP का मेन कैमरा आपको मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको मिलता है एंड तीसरा आपको लो लाइट सेंसर मिल जाता है एंड साथ में क्वाड LED फ्लैश आपको बैक में मिल जाती है एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है एंड सेल्फी के लिए डेडिकेटेड LED फ्लैश लाइट फ्रंट में गिवन है। जबकि इन्फिनिक्स S5 में क्वाड कैमरा सेटअप आपको अब की बारी प्रोवाइड किया गया है, 16 MP का प्राइमरी सेंसर आपको मिल जाता है 1.8K अपर्चर के साथ, 5 MP का वाइड एंगल लेंस यहां पर अब की बार प्रोवाइड किया गया है, 2 MP का डेप्थ सेंसर एंड 2 MP का मैक्रो लेंस आपको मिल जाता है, जबकि 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है एंड बैक में आप यहां पर भी आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स S5 यहां पर क्लियर विनर हो जाता है। अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड बैक डिजाइन के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक डिजाइन आपको मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्लोसी यानी ग्रेडेड डिजाइन यहां पर आपको मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन्स देखने में काफी अच्छे लगते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 8 में बैक में हल्के हल्के आपको स्पार्कल्स प्रिंटिंग मिल जाती है, जबकि इन्फिनिक्स S5 में आपको ग्रेडेड डिजाइन के साथ लाइनिंग वाला डिजाइन मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा बेटर डिजाइन यहां पर कहूंगा इन्फिनिक्स S5 का। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट आपको मिल जाता है जो कि 12 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। N2 बेंचमार्क स्कोर आपको 80,000 के आसपास मिल जाते हैं। तो PUBG लाइट यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं, हिल क्लाइंब रेसिंग, टेम्पल रन एंड सबवे सफर्स जैसी छोटी गेम्स को आप दोनों स्मार्टफोन्स में इजीली प्ले कर सकते हैं। नॉर्मल यूसेज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, इवन आप PUBG को भी लो सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। मीडियम सेटिंग्स में अगर आप प्ले करोगे तो लैग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्पेशली दोनों में से किसी स्मार्टफोन को PUBG प्ले करने के लिए परचेज करना चाहते हैं तो फिर दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको नॉर्मल यूसेज में ठीक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें OS के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाते हैं, साथ में XOS का सपोर्ट आपको मिलता है एंड XOS में आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस एंड न्यू फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो फीचर्स दोनों स्मार्टफोन्स में कमाल के आपको मिल जाते हैं। गाइस अगर बात करी जाए दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी बैकअप के बारे में तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में 5000 mAh की बिग बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है, वो भी 7000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में एंड पर्सनली मैंने स्मार्टफोन की बैटरी को टेस्ट भी किया है, एक्सीलेंट बैटरी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, 2 दिन के आसपास आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज में। जबकि इन्फिनिक्स S5 में 4000 mAh की डिसेंट बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज में। तो दोस्तों अगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस
कस्टमाइज चाहिए तो डेफिनेटली आप इन्फिनिक्स होटेड के साथ जा सकते हैं। गाइस अगर बात करी जाए फाइनल कंक्लूजन के बारे में, तो अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए, बैक कैमरा भी एंड सेल्फी कैमरा भी, वो भी कम प्राइसिंग में, पंचोल डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, एक स्टाइलिश फोन चाहिए, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, तो ये सारे पैकेज आपको इन्फिनिक्स S5 में मिलता है 9000 की प्राइसिंग में। जबकि अगर आपको बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए एंड 4+64GB स्टोरेज चाहिए, वो भी कम कीमत में, एंड आपको अच्छा डिजाइन चाहिए, तो इन्फिनिक्स होटेड के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं 7000 की प्राइसिंग में, क्योंकि 2000 रुपये आपको चीपर मिल जाता है इन्फिनिक्स होटेड। तो जहां तक मेरा मानना है, आप किसी भी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, दोनों ही अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन यहां पर बेटर लगा, बाकी मैंने आपको कंपैरिजन बता ही दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।